We'll discuss about some pronouns that are very important on behalf of exams for any types. तो आज हम syntax of pronouns में कुछ ऐसे pronouns लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी exam के लिए, चाहे आपका board exam हो, चाहे आपका कोई कंपिटेटिव एग्जाम हो, बट इस टाइप के एरर्स वो हमें आते हैं हर एग्जाम। तो उन एग्जाम्स को क्रैक करना है तो हमें इस प्रकार के एरर्स पर ध्यान देना है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व देम। ओके, फर्स्ट रूल आई हैव टेकन हियर, यदि कोई वाक्य यानी इफ एनी सेंटेंसेस स्टार्ट with these words, these things, यदि इन चीजों से, मतलब myself, yourself, ourself, herself, himself, itself, themself, और यदि हम दूसरी भाषा में बात करें यानी कि self और self, ऐसे शब्द से जुड़कर बने जो शब्द हैं उनसे शुरू होते हैं, तो हम इन शब्दों को हटाकर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मतलब वर्ड, अकॉर्डिंग टू इन जो वर्ड दे रखे हैं उनके अनुसार, जैसे माई सेल्फ दे रखा है तो आई लिखेंगे, योर सेल्फ दे रखा है तो यू लिखेंगे, आवर सेल्फ दे रखा है तो वी लिखेंगे, हर सेल्फ दे रखा है तो सी लिखेंगे, हिम सेल्फ को ही में, इस सेल्फ को को दे में, यानी कि इनको हटाएंगे और इन शब्दों का प्रयोग कर देंगे। और यदि हम ऐसा करते हैं और ऐसा पाते हैं तो ये हमारे एरर्स हैं और ये हमारे करेक्ट वर्ड हैं जो हमें यूज करने, राइट। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहां लिया है, योर सेल्फ मस्ट डू दिस वर्क, मैंने डबल टाइम लिख दिया है, तो yourself must do this work। अब यहां पर एरर मिल गया होगा आपको, तो एरर क्या है, yourself, ठीक है, तो yourself हमारा एरर है, तो yourself को हटाकर हमें क्या लिखना चाहिए, yourself you में, तो you must do this work। तो हमारा एरर ये था, ये रॉन्ग था और ये हमारा सही है, इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा सही है और ये सेंटेंस हमारा गलत है, और एरर हमारा ये था और इस एरर को हमने करेक्ट करके ये लिख दिया। इस प्रकार से हम एरर को फाइंड आउट करते हैं और फर्स्ट जो एरर्स हैं उन एरर्स को फाइंड आउट करके करेक्ट जो वर्ड होता है उसका हम यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं, myself is to look into this matter। तो यहाँ पर myself error हमें मिल रहा है, ठीक है, और मैंने ये बताया नहीं था कि वाक्य के शुरू में यदि ये शब्द आते हैं तो ये सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं बल्कि जो इनका सब्जेक्ट होता है उनको लिखते हैं, ठीक है। तो myself के अनुसार क्या लिखेंगे, I, तो क्या आ जाएगा, I will look into matter like that। We have found here the error was myself and we have corrected it and written here I in place of myself। Okay, इतना समझ में आ गया होगा जो error से, it's a very important thing to all you। Okay, next see। So like that we see another rules to find out some errors as well। Here I have taken, यदि कोई वाक्य let verb, यानी कि let क्या है, verb है, ठीक है, इससे शुरू है कोई verb, कोई भी sentence, तो इसके बाद सर्वनाम जो होगा objective case में आएगा, subject case में नहीं आएगा, यानी कि जो subject होता है उसका हम लोग दो प्रकार में करते हैं, एक objective case में करते हैं और एक subjective case में करते हैं। तो यदि वाक्य हमारा लेट से शुरू है तो हम
जो सर्वनाम है, ठीक है, जो सर्वनाम है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस में। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, लेट मोहन एंड आई गो होम, ठीक है। तो अब लेट मोहन, मोहन क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। एंड अब ये हमारा कैसा केस है, सब्जेक्टिव है, प्रोनाउन है, ये तो हमारा नाउन हो गया और ये हो गया हमारा प्रोनाउन। तो ये कैसा केस है, सब्जेक्टिव, क्योंकि आपको पता है आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, राइट। तो दोनों केस समझ में आ गए, ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, ये सब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आई, और आई क्या केस है, सब्जेक्टिव, क्योंकि ये लेट से शुरू है इसलिए ये हमारा एरर, ठीक। तो राइट जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस क्या है आई का, मी गो होम, ये हमारा करेक्ट होगा और ये हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो हमारा एरर क्या मिला है ना, ये हमारा राइट है और ये हमारा रॉन्ग है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव, अर्थात लेट से शुरू हुआ है इसलिए हमारा गलत है, और लेट से शुरू होने पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, लेट यू ही एंड वी डू दिस वर्क। तो लेट वही सेम है, कंडीशन देख लेते हैं, लेट यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, अब ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और ही का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है ना। तो हमारा ये फाइंड आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, हिम, एंड वी कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस, तो क्या होगा इसका, अस डू दिस वर्क, राइट, ठीक है। तो ये हमारा और ये हमारा एरर्स थे जो हमने इनकी जगह पर लिखे, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी होगी। नाउ लेट्स सी द अनदर रूल, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी डोंट नो हाउ टू यूज पर्संस इन आवर सेंटेंस, नोबडी नोज, मैक्सिमम नोबडी नो हाउ टू यूज मैक्सिमम स्टूडेंट्स हाउ टू यूज पर्सन। यू नो पर्सन हमारे थ्री होते हैं, दे आर थ्री पर्सन, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड में यू और थर्ड में इन दोनों को छोड़कर। तो हमें ये तीनों पर्सन जब एक ही वाक्य में आ जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा पर्सन पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में उसके आना चाहिए। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज वॉच हियर केयरफुली। जब वाक्य में तीनों पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन आए हैं और उनमें से भी कोई एक वचन का है, तो जो क्रम होगा पर्सन का यूज करने का वाक्य में वो 2-3-1 के अनुसार, यानी कि हमें याद रखना 2-3-1, ठीक है, 2-3-1। टू से मतलब है सेकंड पर्सन, थ्री से मतलब है थर्ड पर्सन, वन से मतलब मीन से आपका फर्स्ट पर्सन, यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल हियर। तो हमने यहां पर लिया है, ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने सेंटेंस लिया है। तो पहला पर्सन इसमें आई है, कैसा है, फर्स्ट है, दूसरा यू है, सेकेंड है, और तीसरा है ही, थर्ड पर्सन। तो ये क्रम हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसमें एक हमारा सेंटेंस जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन है, इसी बात को रूल हमारा कह रहा है, तो इसलिए ये हमारा गलत हुआ। राइट क्या होगा, 2-3-1, 2-3-1 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टू कौन सा है, यू कॉमन, अब फिर क्या आएगा, थ्री, थ्री कौन सा है, ही, एंड अब फर्स्ट क्या है, आई, आर क्लोज फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग हमारा आर भी यहां पर आ गया है। तो ये हो गया 2-3-1, ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है। तो इट्स अ वेरी इजी
to understand here, okay? Now we take another rule. तो next जो हमने rule लिया है यहाँ पर students, वो है कि यदि वाक्य में तीनों persons, यानी first, second, third, मैंने अभी explain किया था persons के बारे में, यदि तीनों persons के जो pronouns हैं, वो बहुवचन में हैं, तीनों ही persons बहुवचन में हैं, तो उनको हम जो लिखेंगे, जो उनका क्रम होगा वो 1 2 3 का होगा, यानी कि 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन और थर्ड, यानी क्रम उनका ये होगा, ठीक है। तो लेट्स सी द एग्जांपल हियर। तो क्या बताया मैंने, 1, अब इसमें 1 तो पहले आया नहीं है इसलिए रॉन्ग हो गया। तो 1 क्या है, वी, तो फर्स्ट पर्सन में वी, और सेकंड में क्या है, यू, और थर्ड, थर्ड की जगह पे लिख देंगे दे आर रीडिंग, ठीक है, द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एरर हमें मिल गई। कंपैरिजन कर सकते हैं, पहले में यू था और उसकी जगह हमने वी लिखा, दे था यू लिखा, और यहां पर था वी था तो हमने दे लिखा। ये हमारा क्रम जो था, सीरीज जो थी, वो सीरियल जो था वो गलत था, सीक्वेंस गलत था, इसलिए 1 2 3 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पर्सन लिख दिए। ये हमें पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमें क्या होते हैं। यदि आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट द एरर्स इजीली। इफ यू डोंट नो हाउ व्हाट आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, देन यू आर अनेबल टू फाइंड आउट एनी little mistakes or errors. So I have already explained here. Now see the next rule. यदि जब कोई वाक्य it से शुरू है और वो हमारा कैसा sentence है, complex. मैं आपको पहले बता चुका हूँ complex sentence के बारे में, पढ़ा चुका हूँ, यानी कि इसे बोलते हैं मिश्रित वाक्य। यदि आपका वो मिश्रित वाक्य है, यानी किससे बना है वो, it से, तो जो who है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, अर्थात हु से पहले जो कोई भी प्रोनाउन आएगा वो आपका सब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेट्स दीज आर एग्जांपल्स, बिफोर इट वी सी द फॉर्मूला टाइप्स हियर, इट वर्ब प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन आएगा, लेकिन जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। ये हमारा बताना था हु से पहले वाली बात, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो लेट्स सी द एग्जांपल, इट इज मी हु हैव यू, समझ में आ गया होगा क्या एरर है हमारा, एरर हमारा ये है, क्योंकि ये कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि आई का मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आया और हु का यूज हुआ है, इसलिए ये जो केस आएगा वो कौन सा आना चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव आना चाहिए, अर्थात आई आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, राइट, इट इज आई हु हेल्प्ड यू, और इसलिए हमारा राइट आंसर रहेगा और हमारा ये हमारा करेक्ट था। ये एरर में फाइंड आउट ना था जो हमने कर लिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट एवरीथिंग टुडे इन दिस वीडियो, वेरी इजी वे आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग हियर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम्स, बट एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, आई होप यू विल डू सो, ओके, थैंक यू वेरी मच।